केजरीवाल को तिहाड़ की जेल नंबर 2 के बैरक में अकेले रखा गया है। केजरीवाल की पहली रात तिहाड़ जेल में कटी है। जिस बैरक में केजरीवाल को रखा गया है वो 14 फीट लंबा है, 8 फीट चौड़ा है। इसमें एक टीवी लगा हुआ है, सीमेंट का ऊंचा चबूतरा बना हुआ है। बैरक के बाहर 4 सुरक्षा कर्मी हर वक्त यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेल नंबर 2 में केजरीवाल को शिफ्ट किया गया है। हालांकि इस जेल नंबर 2 में अरविंद केजरीवाल को अकेले रखा गया है। तो पहली रात तिहाड़ के अंदर अरविंद केजरीवाल की कल ही कटी है। 14 फीट लंबा, 8 फीट चौड़ा उनका बैरक है। एक टीवी की सुविधा इसमें मुहैया कराई गई है। सीमेंट का ऊंचा चबूतरा बना हुआ है और 4 सुरक्षा कर्मी इसी बैरक के बाहर हर वक्त मौजूद रहेंगे। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद बांदा जेल अधीक्षक को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है और इसके बाद से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बांदा जेल अधीक्षक ने मामले में बांदा कोतवाली में केस भी दर्ज करा दिया है। इसके बाद उस फोन कॉल को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि बांदा जेल में बंद रहने के दौरान मुख्तार अंसारी की दिल की धड़कन रुकने से 28 मार्च को मौत हो गई थी। हार्ट अटैक उन्हें आया था और उसी के बाद किसी अज्ञात व्यक्ति ने बांदा जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा को फोन कर उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। में बंद रहे पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत के बाद बांदा जेल के जेल अधीक्षक को जान से मारने की धमकी मिली है। बीते 28 मार्च को जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की हालत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। जिसके बाद उसी रात बांदा जेल के जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा के पास लैंडलाइन नंबर से एक अज्ञात कॉलर का फोन आता है, जिसमें उसे ठोक देने की धमकी देता है। 14 सेकंड के इस काल में जेल अधीक्षक को ठोक देने और उसके साथ अभद्रता पूर्वक बात की है, जिसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। फिर जेल अधीक्षक ने अपने उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद बांदा कोतवाली में अज्ञात कॉलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। जिसके बाद पुलिस की कई टीम उच्च कॉलर आईडी सर्च करने पर जुटी हुई है, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा का समय बीत गया है, अभी तक उस नंबर को पुलिस ट्रेस नहीं कर पाई है, जिससे इस घटना के बाद जो जेल के अधिकारी हैं वह डरे समय हुए हैं और कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं। बांदा से अखिलेश सोनकर, न्यूज 18। अगली बड़ी खबर राजस्थान से आपको बताएं, जहां पर अंगों के प्रत्यारोपण से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। राजस्थान की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने फर्जी अंग प्रत्यारोपण का पर्दाफाश किया है। एसीबी ने इस मामले में जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार भी किया है। उनके पास से 3 फर्जी एनओसी बरामद की गई है। इसमें अधिकारियों के फर्जी दस्तखत मिले हैं। अब आरोप यह है कि पकड़े गए आरोपी अंग प्रत्यारोपण के लिए लगने वाले एनओसी को फर्जी तरीके से बनाते थे। जांच के दौरान आरोपी कर्मचारियों से संबंधित विभाग से विदेशों से जुड़े हुए कई लोगों की फाइल भी मिली है। इसी से माना जा रहा है कि फर्जी अंग प्रत्यारोपण के तार विदेशों तक जुड़े हो सकते हैं। सरकारी ग्रुप से सौंप दिया गया था। ये यूं कहें कि सरकार का कहना है कि 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया था और इसके लिए 1974 में भारत और श्रीलंका के बीच 2-2 बैठकें हुई थी। पहली बैठक रिपोर्ट के मुताबिक 26 जून 1974 को कोलंबो में और दूसरी बैठक दिल्ली में हुई थी, जो 28 जून 1974 में हुई थी। और दोनों बैठकों के बाद ये फैसला किया गया था कि कच्चा तीव द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया जाए, लेकिन कांग्रेस ने इन आरोपों का कनेक्शन चुनाव से जोड़ दिया। जिस दिन वहाँ वोट पड़ जाएगा फिर आप 5 साल तक नहीं बोलेंगे। कांग्रेस भले ही कच्चा तीव द्वीप के मामले को चुनावी मुद्दा बताए, लेकिन प्रधानमंत्री ये मुद्दा पहले भी उठा चुके हैं और इस बारे में पिछले साल सदन में पेश हुए अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान उन्होंने बात की थी और बयान दिया था कि डीएमके ने इस बारे में उन्हें चिट्ठी लिखी थी और मांग की थी कि कच्चा तीव द्वीप को श्रीलंका से वापस लिया जाए। और लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने एक बार फिर इस मुद्दे को उठाया। भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच बड़ा समुद्री इलाका है और हिंद महासागर के इसी समुद्री इलाके को पाक स्ट्रेट कहते हैं। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच के समुद्री इलाके का ये नाम अंग्रेज गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया था।
वो 1755 से 1763 के बीच मद्रास प्रांत के गवर्नर थे। पाक स्ट्रेट में कई द्वीप हैं और कच्चातीवु द्वीप उन्हीं में एक है। ये द्वीप बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है और करीब 285 एकड़ में फैला है। इस द्वीप की भारत के रामेश्वरम से दूरी करीब 19 किलोमीटर है और श्रीलंका के जाफना से दूरी करीब 16 किलोमीटर है। और भारत और श्रीलंका के बीच का ये द्वीप शुरू से विवादों में रहा। कहते हैं कि 14वीं शताब्दी में ये द्वीप एक ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बना था और 17वीं सदी में तमिलनाडु के राजा रामनाथ की जमींदारी का हिस्सा था। लेकिन भारत में अंग्रेजों की हुकूमत आने के बाद ये मद्रास प्रेसिडेंसी यानी भारत का हिस्सा बन गया था और 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो सरकारी दस्तावेजों में इसे भारत का हिस्सा बताया गया था, लेकिन उस वक्त भी श्रीलंका इस पर अपना अधिकार जताता था और कच्चातीवु को श्रीलंका का हिस्सा बताया था। तब के अखबारों में लिखा गया था कि भारत ने इसका विरोध भी किया था। यही नहीं, आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने भी इस द्वीप का मुद्दा उठा था, लेकिन कहते हैं उन्होंने इस मामले को खास तवज्जो नहीं दी थी। और इसके कुछ साल बाद 1974 में इंदिरा गांधी ने यह द्वीप श्रीलंका को दे दिया था। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु के तब के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि को जब ये जानकारी दी गई थी तो उनसे बताया गया था कि कच्चातीवु पर श्रीलंका की मजबूत स्थिति थी और उसने अपने रिकॉर्ड का हवाला दिया था और दावा किया था कि कच्चातीवु द्वीप श्रीलंका के जाफना साम्राज्य का हिस्सा था। यानी आरटीआई के मुताबिक 1974 में भारत की सरकार ने श्रीलंका की सभी दलीलों को आंख मूंद कर मान लिया था और भारत के एक द्वीप को श्रीलंका को दे दिया था। यही नहीं, 2014 में इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में बहस भी हुई थी और बहस में कहा गया था कि अगर बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताया, उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर सीट से टिकट मिलने के बाद बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी ने वरुण गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। सुल्तानपुर पहुंची मेनका गांधी ने कहा कि वो खुद प्रचार की कमान नहीं संभाल सकती। मेनका ने कहा इस बार पार्टी प्रचार की कमान संभालेगी। बड़ी बात यह है कि मेनका गांधी के बेटे और पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी का इस बार बीजेपी ने टिकट काट दिया है। आने वाला नहीं था, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि वरुण और उनकी बहू दोनों को इस वक्त वायरल फीवर है काफी तेजी से और मेरी जो समधन है उनका एक हार्ट अटैक हुआ है तो घर में इस वक्त बीमारी चल रही है, तो वैसे भी अगर आना भी चाहते थे तो मुश्किल हो जाता, लेकिन वो नहीं आने वाले। मैं क्या आगे आपके चुनाव की कमान संभालेंगे? अब मैं अपना कमान नहीं संभाल सकती।